मैं प्रवीण अलावत हूं और इस वक्त मैं हरियाणा के छारा गांव के लाला दीवानचंद अखाड़े में मौजूद हूं, जिसे अक्सर लोग हैं वीरेंद्र अखाड़ा छारा के नाम से भी जानते हैं। और ये देख पा रहे हैं आप, ये तमाम वो चैंपियंस आज मेरे चारों तरफ बैठे हुए हैं। मेरे इस तरफ वो चैंपियंस बैठे हुए हैं जो बजरंग पूनिया के एक समय मतलब सीनियर हुआ करते थे, और उस वक्त आप देख सकते हैं कुछ छोटे बच्चे होंगे शायद बजरंग पूनिया, ये लाल टी शर्ट में जो है ना ये पहलवान इतने होते थे, और ये उस वक्त बजरंग पूनिया के सीनियर हुआ करते थे। और इस तरफ जो अब जो यहाँ पर बजरंग इतने 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 छोटे थे, और ये तमाम चैंपियंस हैं जब यहाँ पर प्रैक्टिस है वो करते थे। मेरे इस साइड बैठे हुए हैं जो फिलहाल है अखाड़े में रेसलिंग करते हैं, और ये बजरंग पूनिया ओलंपियन दीपक पूनिया के गुरु हैं, और इन तमाम लोगों के गुरु भी ये हैं, और तमाम हिंद केसरी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को समर्थन देने के लिए। और आपको बता दें कि जब आपने देखा होगा दीपक पूनिया ने इमाम भट्ट को हराया पाकिस्तानी रेसलर्स को, तो जो ट्रोल आर्मी आज कहती है कि पहलवान ऐसे ही बैठे हुए हैं, उसी वक्त वो लोग कह रहे थे हमने पाकिस्तानी रेसलर्स को हरा दिया। हालांकि एक खिलाड़ी ये दूसरे खिलाड़ी को हराता वो खेल भावना से हराता है, लेकिन जब आपका सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है, जब बजरंग पूनिया ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आते हैं आपका सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन इस देश को ये भी समझना होगा कि बजरंग पूनिया जैसे लोग हैं वो मेडल कैसे लेके आते हैं। ये जो तमाम लोग हैं ना, ये तमाम लोग भारतीय कुश्ती का फ्यूचर हुआ करते थे, लेकिन रेसलिंग एक ऐसा खेल है जिसमें अनफॉर्चुनेटली किसी आर्थिक कारणों से किसी चोट के कारण जो काफ़ी ऐसे सारे रेसलर्स हैं जो गुमनाम हो जाते हैं, जिनका है पता शायद नहीं चलता, और आज पहलवानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सर सबसे पहला तो सवाल ये है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण उनको हटा दिया, और लोग कह रहे हैं बजरंग पूनिया के गुरु को इन्होंने हटाया था वो पूरी कुश्ती फेडरेशन ही भंग हो गई, तो उनको जो हटाया गया है ये क्या इस लड़ाई को अपनी जीत मानते हैं आप? ये तो आप लोगों का प्रयास, आप बधाई के पात्र हो इस मुहिम में, क्योंकि आपने बहुत बातों को उठाया है उसको और उसका कार्यकाल भी, लेकिन हमारी लड़ाई यहाँ तक नहीं है। जो उन्होंने जैसे तीन एसोसिएशन भंग की थी भाई, महाराष्ट्र की, हरियाणा की और कर्नाटक की, वो जैसे जो महाराष्ट्र का फैसला है हमारी हरियाणा की डाला नहीं कोर्ट में केस, लेकिन वो लागू होता है तीनों पर। जब वो एसोसिएशन भंग कर दी तो वो कोर्ट ने मार ली, अब उन्होंने लिखा था कि 30 स्टेटों ने इसके खिलाफ लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। जब कोर्ट में ट्रायल हुई तो एक स्टेट ने ही उसके विपरीत में लेटर लिखा था कि ये यहाँ सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है एसोसिएशन, ऐसा नहीं पाया तो कोर्ट ने मान लिया, क्योंकि एक ज़िले में बनती है सभी अखाड़े के पहलवानों के सहमति से, असलियत में एसोसिएशन होती है वो, उसमें जिस तरह डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का कोई भी मेंबर और ऊपर से हरियाणा कुश्ती संघ का कोई मेंबर और पूरे अखाड़े के पहलवान वे मिलकर चुनते हैं इस एसोसिएशन को, और ये झज्जर एसोसिएशन बहुत बड़ी एसोसिएशन है। यहाँ से ओलंपिक चैंपियन है पहलवान एक एक वजन में, अब भी जैसे एशिया चैंपियनशिप में एक पहलवान का मन सहरावत का गोल्ड मेडल आया वो झज्जर से ही है, तो यहाँ कुश्ती की खान है। यहाँ महाराष्ट्र से भी, जम्मू कश्मीर से भी, राजस्थान से भी, दिल्ली से भी, उत्तर प्रदेश से भी, यहाँ हरियाणा में और हमारे सेंटर में भी आते हैं बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसका लाभ भी मिलता है बच्चों को। अच्छा सर ये देखिए कि जो ब्रजभूषण को हटाया गया है, ये आपकी पहली मांग थी वो हटा दिया गया, भंग कर दी गई है, अब दोबारा चुनाव भी होने वाले हैं, और आपकी ये मांग थी कि कुश्ती को मुक्त कराया जाए ऐसे शख्स से, क्या दोबारा रेसलरों को ये डर है कि ब्रजभूषण अन्य किसी तरीके से दोबारा एंट्री करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 45 दिन में अब उसके भीतर भारतीय ओलंपिक संघ को चुनाव कराने हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, अब कम से कम 50% खिलाड़ियों की भागीदारी कोई भी एसोसिएशन हो, चाहे कुश्ती नहीं, मैं तो सभी एसोसिएशन की बात करता हूँ, अब उसमें कम से कम 50% भागीदारी खिलाड़ियों की होनी चाहिए भाई, खिलाड़ियों के अनुसार, और 50% भाई कॉरपोरेट भी, कंपनियाँ भी, क्योंकि जो खिलाड़ियों की मदद भी चाहिए। और ये भंग किया, इसके साथ साथ हमारी डिमांड है कि जितने इसके गुर्गे इसने गलत तरीके से बैठा रखे हैं, इन्हें घुसा रखे हैं, वो भी सभी भंग होनी चाहिए सारी की सारी, और ऐसे मिल बैठ के फैसला होना चाहिए। अब भाई डिस्ट्रिक्टों वाइज अखाड़े पूरे संचालक भाई ये चाहो, और हमने भी इस चीज़ पढ़ना नहीं चाहिए कि मैं रहूँगा, हमने भी आपस में फैसला करके भाई 4 साल इसने भाई इसको दे दिया मौका, 4 साल भाई जो अच्छा काम करता 4 साल उसको दे दिया, 4 साल उसको दे दिया,
और सर्वसम्मति से हमने अपना फैसला करके भाई हमने काम करना है। न्याय के प्रति हमने बिल्कुल अडिग, जैसे बच्चों के साथ ये नाइंसाफी करते थे, वहाँ लखनऊ में ट्रायल होती थी, हमारे गांव का भी एक बच्चा था नवीन, वो ट्रायल में जीता था, भेज दिया था दूसरे को। तो अब जिस तरह लखनऊ में लड़कियों के साथ भी बहुत, जब ये ट्रायल में गड़बड़ करके दे सारी गड़बड़ करता था, कि मैंने उसकी वीडियो भी कई मैंने देखी है कि हमने बजरंग के साथ बात हुई ब्रजभूषण की, अगर मैंने पहलवान को मैंने बनाना भी आता है, मैंने बिगाड़ना भी आता है, भाई बनाना बिगाड़ना आओ था तो वो अपने गोंडा से क्षेत्र से उसने कितने पहलवान बनाए हैं, वहाँ से बनाता हो एक आधा ओलंपिक चैम्पियन, वहाँ के नेशनल चैम्पियन कितने हैं तो उसको नहीं पता है। ये तो बनाते तो ये गुरु खलीफा हैं, जो खाड़ियों के इंचार्ज हैं उनके परिवार बनाते हैं, उसकी सहायता करते हैं पहलवान की, तो बनाते हैं वे, वो कुछ नहीं बनाता। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए और बिल्कुल फिर तरीके से चुनाव होना चाहिए। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई बन जाओ, खिलाड़ियों को भी ये कहते हैं भाई कब्जा करेंगे, ये बिल्कुल भी कब्जा नहीं करें, ना तो इन्हें इलेक्शन लड़ना, क्योंकि इनका पिक पॉइंट है, अब तो इनका लड़ने का समय है, क्योंकि ये अभी उसकी देश में पूरी दुनिया में धाक बनी है इन खिलाड़ियों की, अब भाई ये भारत के ये खिलाड़ी हैं, अब ये कहें ये उतार पर हैं, ये तो ख़त्म हो चुके हैं, इनकी मानसिकता को कमज़ोर किया जाता है, ऐसा इन्होंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी ही तैयार 25 साल के बाद होता है सही असलियत में, 25 से और 40-45 साल तक खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो आपको मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बच्चों की मानसिकता को सबको उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, और हम तो ये नहीं कहते अगर नया बच्चा नहीं आना चाहिए, ये रहने चाहिए भाई, अगर ये हार गए तो हम इनको हटा लेंगे, अगर भाई जीते हैं तो फिर इनको अवसर मिलना चाहिए। 2016 में जब सुशील जीत्या, वो कह रहा था भाई ट्रायल कराओ हमारी, 10 बार ट्रायल करा देनी चाहिए, 10 बार ट्रायल, अब ये कहें हम कोटा देश का कोटा होगा, अरे इस बात को पहले भी तक कर देता, अब कोटा तो देश का था, उसने ट्रायल करा देता, अपने आप कोर्ट में भेजा, सारी घुमा फिरा गया, उसकी एक मेडल की इसी तीसी कर दी, और एक ओलंपिक का मेडल कितना महत्व रखता है। और देखिए जो ये कह रहे हैं ना, ये खिलाड़ी नए खिलाड़ियों को आगे नहीं आने देना चाहते, या तो शायद उन्हें कुश्ती की समझ नहीं है। अब देखिए बजरंग पुनिया के गुरु हैं, और जब इन्हें लगेगा कि इन्होंने ऐसे बच्चे को तैयार कर दिया है जो बजरंग को हरा सकता है, तो ये बजरंग पुनिया की मेयर नहीं लेंगे उस दिन ये बोलेंगे कि हराओ बजरंग पुनिया को अगर आप हरा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं।